أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعليها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط بعلمك أصحى كتابه शाबान की मैं क्या सिर्फ बयान करूं उसकी सिफत। रसूल का महीना है, कौन रसूल? अफजलुल आलमीन का महीना है। अल्लाहु अकबर, कौन रसूल? जो महबूब खुदा है। हबीबुल्लाह का टाइटल किसी को न मिला, रहमतुलिल आलमीन कोई ना बन सका। अल्लाहु अकबर, इसका महीना हो तो वो कैसा महीना होगा? इंसान उसकी खूबियां बयान नहीं कर सकता। आप सोचे अल्लाह इस महीने को कितनी अहमियत दिया होगा कि उनका हबीब का महीना है, रहमतुल्लिल आलमीन का महीना है। अल्लाह को इश्क के रसूल के साथ कायनात गफजल तरीन जो है, आप सोचे कितनी फजीलत बयान करना नामुमकिन है। उसमें भी रसूल हमारी मदद मांग रहा, मगर रसूल हमारी मदद मांग रहे हैं। रसूल ने क्या ऐलान करते, मुनादी को ऐलान करवाता है। हर रजब की आखिरी में, माह रजब की आखिरी में माह शाबान दाखिल होने वाला होता है, तो रसूल निदा दिलाते, निदा कि मेरा महीना है, जो अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए और मेरी मोहब्बत ने रोजा रखेगा। दो नियत अहम तरीन, अल्लाह की कुर्बत, शाबान महीने का रोजा की नियत अल्लाह की कुर्बत, और रसूल की मोहब्बत में जो रोजा रखता है बेहिश्त उन पर वाजिब हो जाता है, वाजिब उसको हो गया। फिर कहते थे मेरी मदद करो इस महीने में, यार आपकी मदद, फिर आपकी मदद कैसे करें? रोजा रख के मदद, रोजा रख के मेरी मदद करें। अरे रसूल को क्या फायदा मिलेगा हम रोजा रखेंगे? आपको पता है सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत, सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत में मशहूर आयत हम पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह कितना अजीजुन अलैहि मा अनितुम, अजीजुन अलैहि मा अनितुम। रसूल के लिए ना गवारा है, बर्दाश्त नहीं है कि उनकी उम्मत कोई मुश्किलों में जाए, उनकी उम्मत की तो कोई तकलीफ हो, वो भी उनको तकलीफ महसूस करती। इतनी उम्मत से प्यार, अभी तो मोमिनिन के तो नहीं, सिर्फ उम्मत, चाहे काफिर हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मोमिन हो, पूरी उम्मत से इतनी मोहब्बत कि उनकी बहबूदी के लिए आगे आए। क्या हरीस अलैहिम, हरीस, कुरान लफ्ज हरीस इस्तेमाल करता है सूरह, इस सूरह में सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत 128, यानी हरीस, हरीस बुरी तरीके भी यूज होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। हरीस माल के लिए हरीस हो, लालच हुकूमत के लिए लालच हो, मगर हरीस इल्म का हरीस हो, इल्म का हरीस हो, नेकी करने में हरीस हो, रूहानियत में आगे बढ़ने के लिए हरीस हो। देखो पॉजिटिव हो गए ना, रसूल हरीसुन अलैकुम, उनकी बहबूदी के लिए, मुसलमानों की बहबूदी के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी इर्तका के लिए, उनकी कामयाबी के लिए तड़प रहे थे, हरीस थे, इतना इश्क था उम्मत के साथ, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि जिसको मुझसे इश्क होगा इतनी मेरी मखलूक से इश्क होगा। रसूलुल्लाह का इश्क अल्लाह से कोई बयान नहीं कर सकता, तो जितना इश्क अल्लाह अल्लाह से होता है इतना बंदों से होता है, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मिल्कियत है। तो फिर सोचे कि शाबान का महीना रसूल का महीना हो तो अल्लाह क्या कर, क्या करते। मौला अली से पूछा गया शाबान का मतलब क्या है, का शाबान का मतलब है फैलाना, फैल जाना, फैल क्या फैल जाना, मौला कहते नेकियों, अल्लाह इतनी नेकियों को फैलाता इस महीने में, इतनी नेकियों को फैलाता है और छोटी छोटी नेकियां का अजर बढ़ा देता है। 70 मर्तबा को इस्तगफार करे गोया 70,000 मर्तबा के, 70 दिरहम अगर कोई सदका दिया गोया 70,000 दिरहम सदका दे दे, 70 मर्तबा अगर कोई तस्बीह किया गोया 70,000 मर्तबा तस्बीह कर दिया, कि अल्लाह ने नेकियों को फैलाया है, तौफीकात में इजाफा करता है, मलाइका को जमीन में उतारता है, कई मलाइका को फैला देता है कि नेकियों को फैलाओ, रहमत को फैलाओ, बरकत को फैलाओ, ताकि मोमिनीन ज्यादा से ज्यादा नेकी करें। ये ग्रैंड सेल का महीना है, ग्रैंड सेल और जेन्युइन सेल, मिला धोखा वाला सेल नहीं, खाली लेबल लगा, जेन्युइन सेल का महीना है शाबान का महीना। इसीलिए आगा आयतुल्लाह
अली 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 काजी, बड़े बड़े महाराजे का, एक बेहजत का उस्ताद, खुमैनी का उस्ताद वगैरह, इतना बड़ा। वो कहते शाबान महीने में खबरदार रहना, शाबान का महीना है, बेदार रहना, उसको फजूल टाइम में बेकार न करना, उसको टाइम वेस्ट न करना, क्योंकि जो टाइम बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, अल्लाह कयामत में पूछने वाले हमने टाइम को कैसे गुजारा इस दुनिया में, अल्लाह की अमानत जान के अच्छी तरह वक्त को गुजारता है नेकियों में, इबादतों में, रोजे में। तो फरमाते वो ही फवायद देखेंगे जिसने टाइम की कीमत जाना है, वो ही इन महीनों में शाबान महीने में वो फवायद उठाएगा। गलत दोस्ती से दूर तो फायदा उठाएगा, इरादा पक्का करे कि नहीं मुझे बदलना है, मेरी बुरी खसलतों को बदलना है, क्योंकि रोजा का वही फायदा। मौला अली ने कहा रोजे का क्या क्या फायदा है, मौला अली का जिसको गुस्सा गुस्सा आता हो वो शाबान का रोजा रखे उसका गुस्सा खत्म हो जाए, जिसको डिप्रेशन हो गम रहता हो वो रोजा रखे शाबान महीने का, अगर कोई रोजा नहीं रख सकता है जईफी की वजह से, कमजोरी की वजह से, हैज की वजह से, तो वो सदका देगा रोजे के वजह, रोजे के बदले में सदका देगा ना। शाबान में कोई दुआ नहीं, अभी तस्बीह जो रजब में थी, शाबान में अभी सदका देना है, सदका कसरत से देना है शाबान महीने में, रसूल का महीना है। तो रसूल कहते मेरी मदद करो, रोजा रखे क्यों, कैसे मदद होगी रोजा का, हमारे तकवा मिलेगा, तकवा मिलेगा तो हमारी तरक्की होगी, हमें इर्तका, जो रसूल हरीसुन अलैकुम, जिसने हमारे लिए है, हमारी बहबूदी के लिए, हमारी तरक्की के लिए, वो रोजे में छुपी हुई है। तो इसीलिए मेरी मदद करो रोजा रखे, तो रसूल को क्या फायदा, उसकी उम्मत इस्लाह होगी, उसकी उम्मत तरक्की करेगी, ये रसूल को चाहिए, इसे कह मेरी मदद करो। मौला अली फिर फरमाते जिसको शैतानी वसवसा तंग करता हो, ये शक, उसमें शक, यकीन की मंजिल नहीं है, शक की, वो उसको चाहे शाबान के रोजे रखे, शाबान महीने के रोजे रखे। जो किसी दुश्मन उनको सताता हो, इस दुश्मन से बचना है, इस नियत से नियत करनी पड़ेगी मैं रोजा क्यों रखूं, भले वाजिब रोजा, भले कजा भी हो, मगर कहीं खुदा होता मुझे ये फायदा चाहिए इस रोजे, मैं कजा तो रख रही हूँ मगर मुझे ये फायदा वाला चाहिए कि मेरे दुश्मनों के शर से मुझे तू बचा ले, तू मुझे इस रोजे के बरकत से दुश्मनों के शर से बचा ले, दुआ करे। मौला ने चार बातें बताई, इमाम जाफर सादिक ने क्या बताई, उन्होंने कहा कि जो शाबान को रोजा रखे उनके खुश अखलाक हासिल होगा, उनकी बुरी खसलतें दूर होकर अच्छी खूबियां पैदा होगी। जिनको अपने बुरी आदतों को बदलना है कि शाबान में रोजा रखे बुरी आदत से तब्दीली आएगी, नियत करे कि मेरी बुरी आदत को खत्म करना है, अगर मैं ज्यादा बातें करने की मेरी आदत है खुदा मंदिर ये मेरी आदत को तू खत्म कर, मुख्तसर बात करो जितनी जरूरत है। तो हर कोई अपनी ऐब को जानता है, मैं सेंसिटिव, छोटी छोटी बातों में मुझे दिल दुखता है, खुदाया मेरा सेंसिटिव दूर कर दे, मैं इस रोजा इसलिए रख रहे हैं, मेरा सेंसिटिवनेस खुद कर खत्म कर दे, मैं नेगेटिव हर बात में उल्टा सोचती हूँ, तो खुदाया मेरे इस रोजे के बरकत मेरी नेगेटिविटी खत्म कर दे, मुझे पॉजिटिविटी चाहिए। ये छठे इमाम ने बताया अपनी इस्लाह के लिए रोजा है, खुश अखलाक पैदा करने, बुरी आदतों को बदल, नियत करो, नियत करो तुम्हें क्या चाहिए इस रोजे के, क्या फवायद चाहिए, नेकी फैली गई है, अल्लाह बहुत जल्दी कबूल करता है शाबान महीने के रोजे की बात है हर जगह। तो फिर आपने फिर मासूम ने क्या बताया कि जो लोग तीन रोजा रखते हैं जन्नत तो वाजिब हो गया, बाज ने एक ही रोजा दे भी जन्नत वाजिब हो गया, क्यों, अल्लाह की कुर्बत के लिए और रसूल की मोहब्बत और रसूल की मदद करने के लिए, ताकि हम तकवा हासिल कर सके। मगर चार रोजा कोई रखे रिस्क का परेशानी हो, जिसको रिस्क माल बीमारी, किस्सा सब सुने हो, जल्दी से किस्सा सुना दू, किस्सा ये है कि एक आराबी रसूल की खिदमत में आया, या रसूलिल्लाह कि मेरे माल की चोरी हो गई, बहुत मालदार था, आज भीख मांग रहा है, एक रोटी नहीं, पूरी चोरी हो गई, दीनार दिरहम जानवरों मवेशी सब सब पूरी चोरी हो गई, और मैं ये इस दर्द में वो बीमार पड़ गए, इतना ज्यादा बीमार, बच्चे बीमार, ये बीमार हो गए, यानी सारी नेमत तो एक साथ छीन ली गई, एक साथ आए रसूल की खिदमत, या रसूलिल्लाह ये मैं कैसे दोबारा ये नेमत तो वापस मुझे मिल सकती, तो हजरत अय्यूब ने जो किया तू करना, अल्लाह ने हजरत अय्यूब की कितनी बड़ी इम्तिहान ली थी, इस इम्तिहान हर चीज उठा लिया, हत्ता के आखिरी में बीमारी ऐसी बीमारी के शहर से बाहर जाना वगैरह वगैरह, सब्र अय्यूब भी कितना मशहूर है। तो कहा पहली बात तो तुझे जो मैं अमल बताऊंगा, सबर पहली शर्त,
सबर करना पड़ेगा, सबर से काम उठाना पड़ेगा। सबर के सिवाय कोई चारा नहीं है। हाई वो ही नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, दुख दर्द पे रोना धोना नहीं है, सबर से काम लेना है। पहली शरत सबर से काम लेना है। और फिर तुझे क्या करना है, जो हजरत अय्यूब ने फिर क्या किया, पहले तो सबर अय्यूब, पहले सबर किया, शिकवा शिकायत तो दर किनारे, शुक्र है खुदा कि तूने मुझे इम्तिहान के लायक समझा। फिर क्या करना है, तुझे शाबान ने चार रोजा रखना है, जो हजरत अय्यूब ने किया था, जिसमें 15 शाबान शामिल किया, 3 रोजा + 1 15 शाबान, ये 4 रोजा तू रखेगा। और सुबह शाम पूरा महीना सुबह शाम 15 मरतबा माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये इतनी आयत कहाँ है, सूरे कहफ, सूरे कहफ 18 नंबर का सूरा, उनकी आयत 39 का थोड़ा जूस, पूरी आयत नहीं थोड़ा, अब देखेंगे माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो सूरे कहफ की 39 आयत, वहां तो किस्सा भी बयान किया, एक बद नजर से भी बचना चाहिए, तफसीर में मिलेगा आपको, हाजी नाजी में तो है कि माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, हर रोज पढ़े 3 मरतबा तो किसी की बद नजर नहीं लगे, चाहे अल्लाह ने हजारों हजारों लाखों नेमत दी हो, खूबसूरती दी हो, सब कुछ, कभी भी बद नजर नहीं लगेगी, ना जादू कोई कर सकेगा, ना सुकून की जिंदगी गुजारे। तो ये सुबह शाम 15 मरतबा, सुबह शाम को 15 मरतबा, पूरा महीना हजरत अय्यूब ने ये किया, 4 रोजा 15 शाबान को मिलाकर, और ये सुबह शाम पड़ा पूरा महीना, पूरा महीना। और महीने एक महीने के बाद सारी चीजें मिल गई, तू भी जाकर वो बायकादा किया, पूरा महीना किया, और रसूल आके रिपोर्ट करते, या रसूल्ला मेरी सारी नेमतें मुझे वापस मिल गई, सेहत भी मिल गई, सब कुछ मुझे मिल गया रसूलिल्लाह। तो इसीलिए एक किस्सा से हमें पता चलता है कि 15 शाबान का रोजा बहुत अहम है, और मजीद 3 रोजा, अगर 3 रोजा रखना हो तो मैं आपको आइडिया दूं कि अफजल तरीन 3 रोजा हर महीने में अफजल तरीन रोजा क्या, रसूल को पूछा गया, हर महीने में मैं 3 रोजा रखना चाहता हूं तो कौन से रोजा, रसूल ने क्या बताया, पहली जुमेरात, नौचंदी जुमेरात, बीच वाली बुध यानी 10 के बाद जो बुध आए, और आखिरी जुमेरात, ये 3 तो हर महीने अफजल तरीन है, और रजब शाबान में और अफजल बन जाता, और ज्यादा बुलंदी पे जा रहा। तो ये 3 रोजा रखो 15 शाबान, अगर 15 शाबान इसी को दिन में आ गए तो दूसरा एक ढूंढ लेना। तो जुमेरात, बुध, आखिरी जुमेरात, ये अफजल तरीन, इंसान शैतान से बचता है, उससे शैतान से बचता है, ये सबसे बड़ी बात है, शैतान से बचता। तो अब हमने ये बात देखा पहले, तो अब हम रोजे की, 4 रोजे की बात आ गई, रिस्क के लिए, बरकत के लिए, बीमारी की शिफा के लिए। और दूसरी बात कि अगर किसी ने हर पीर और जुमेरा, एवरी मंडे एंड एवरी थर्सडे माह शाबान में रोजा रखा, तो उसकी दुनिया की 20 हाजतें पूरी होगी, आखिरत की 20 हाजत, दुनिया की 20 हाजत, आखिरत की 20 हाजत पूरी होगी, 40 हाजत पूरी होगी दुनिया और आखिरत। अगर हर मंडे और हर थर्सडे रोजा रखा, उसमें नौचंदी भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आखिरी जुमेरा भी आ जाएगा, देखो डबल डबल ट्रबल ट्रबल फजीलत मिलेगी, कई गुना फजीलत मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 20 हाजत, 8 रोजे हो गए, 8 रोजा हुआ, 3 रोजा की बात हुई, 1 रोजे की बात हुई, 4 रोजे की बात हुई, 8 रोजे, अभी 9 रोजा। जिसने 9 रोजा शाबान पे मासूम फरमाते, जिसने 9 रोजा शाबान में रखा, उसके मुनकर और नकीरों के सवाल और जवाब से आजाद हो जाए, सुकून में होगा जब मुनकर और नकीर सवाल पूछे। पहली रात कितनी मुश्किल है मुनकर और नकीर को आना, मुख्तलिफ सूरतों में आते हैं। तो फिर कोई 12 रोजा रखा, जिसने शाबान महीने में 12, वेशत की रात, पहली रात मरहूम की पहली रात, वेशत की रात, 70,000 मलाइक उनकी कब्र में आके उनको तसली देगा, नूर ही नूर फैला देगा, उनको वेशत न होगी, ना कुछ घबराहट, कुछ नहीं होगी। तो पता चला कि जितने रोजा हम रखे हमारा खुद के फवायद है, सब फवायद हम हासिल करेंगे। फिर 3 चीज का बहुत ख्याल करना है, अभी से स्टडी करें, आखिरी रजब के दिनों है अभी। 3 चीज बहुत अहम है कि रजब महीने में शाबान आने से पहले खुतबाए शाबानिया, जो रसूल खुतबा देते थे आखिरी जुम्मे में रजब के, ताकि आखिरी जुम्मा शाबान की तैयारी करवाते माह रमजान की। मफातिह जिनान हर किताबों में आपके खुतबाए शाबानिया मिलेगा, जो रसूल
किस तरह कहते थे इसमें नेकियां का क्या सवाब है, सिले रहम का क्या है, माह रमजान में क्या, ये खुतबा शाबानिया स्टडी करना बिफोर रमजान, एक ये बात। फिर मुनाजात शाबानिया मौला अली ने तालीम की, क्या मुनाजात है शाबान में पढ़ने के, थोड़ा थोड़ा करके तर्जुमा पहले फिर ट्रांसलेशन, पहले ट्रांसलेशन फिर अरब, तीन चार लाइन आज परसों दिस तीन चार लाइन, ऐसा ऐसा पूरी नहीं पढ़ सके मगर रटेफिकेशन नहीं, खाली अरबिक में पढ़ गया, पूछ पता नहीं अल्लाह से क्या बात की, मुनाजात है अल्लाह के साथ, मुनाजात मौला अली की फेवरेट मुनाजात, इमाम खुमैनी की फेवरेट मुनाजात यही दुआई कुमेल और मुनाजात शाबानिया। पता ये चला कि ये आप थोड़े थोड़े रजब महीने में अभी चार चार पांच पांच जुमला तर्जुमा पहले पढ़ लो तो शाबान में अरबिक पढ़ सकोगे, जो अरबिक जानते उनके लिए तो कोई मसला नहीं, वो तो अरबिक में पढ़ेंगे, जो अरबिक नहीं जानते उनको तर्जुमा के पहला गौर और फिक्र करना है, थोड़ी थोड़ी पढ़ के भले चंद दिनों में 10 दिन लगे दुआ पूरी करने की मगर पहले तर्जुमा फिर अरबिक, अरबिक क्योंकि मासूम के जुमला के रूहानियत था, मासूम के जुमले अल्लाह से कैसे मुनाजात करते मौला अली। ओके, तीसरी चीज है दुरूद शाबानिया, अल्लाह इनकी तो फजीलत बयान की, इनकी तो फजीलत बयान करते हो हदीस में और उलमा बयान करते, दुरूद शाबानिया जो 15 शाबान की रात को एक मरतबा पढ़ा जाता है, ज्यादा पढ़े तो बोनू अल्लाह नून जो टाइम हो, 15 शाबान की रात को या मुना मफात जिनान हर किताब में अलमाना हर एक नाम को मिलेगी दुरूद, दुरूद शाबानिया क्या फजीलत है दुरूद की, 12वें इमाम के से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और आयतुल्ला सिस्तानी ने सख्त ताकीद बताई कि इस दुरूद की सख्त फजीलत है, शाबान को जहर की नमाज के बाद हर रोज पढ़ना है, शाबान में डेली जहर असर की नमाज जहर खत्म हुई ये ताकीबात में डालना है ये दुरूद, और 15 शाबान की रात आयतुल्ला सिस्तानी का ये अफजल तरीन दुरूद है, 12वें इमाम से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस दुरूद से, 15 शाबान उसकी विलादत है, महीना ये महिला कर्बला वालों का महीना है, करबला वालों का महीना, इंतकाम लेने जो लेने वाला है उनका महीना है शाबान का, एक भी वो नहीं है, एक भी गम का दिन नहीं, न शहादत है न कोई गम का दिन, पूरा महीना विलादत ही विलादत, खुशी खुशी का महीना, रसूल का महीना है, और उनमें सब वो लोग पैदा हुए करबला की अजीम शख्सियतें पैदा हुई, इसे इस महीने की और फजीलत बढ़ गई, एक तो रसूल का महीना, ऊपर से इतना बड़ा महीना हो गया कि आप देखे पहली शाबान में एक रिवायत के मुताबिक बीबी ज़ैनब की विलादत, जो अगर शहजादी न होती तो वही मकसद उसे दफन हो जाता, और सैयद सज्जाद के साथ मिलके थोड़ी मुद्दत के लिए बात नहीं कर सकते, खुतबा नहीं दे सकते सैयद सज्जाद, दोनों इसी महीने में 5 शाबान को इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और पहली शाबान को बीबी ज़ैनब, ये दो इस कारावान को लेके आगे बढ़ाए, मकसद को फैलाया है इसी महीने में, तीसरी शाबान इमाम हुसैन अल्लाहु अकबर, चौथी शाबान हजरत अब्बास, देखो हजरत अली अकबर की विलादत, कुछ तारीखों में मुख्तलिफ तारीख बताती है मगर विलादत 100% शाबान में यकीन उलमा कहते, तारीख में थोड़ा फर्क है, हजरत कासिम विलादत इसमें ही वो 12वें इमाम, अब देखो सर, देखो बीबी ज़ैनब ने बीबी फातिमा का नियाबत में करबला में, बीबी फातिमा की नियाबत नायब बीबी फातिमा, इमाम हुसैन रसूलुल्लाह की नियाबत में करबला, हजरत अब्बास इमाम अली की नियाबत, हजरत अली अकबर इमाम हुसैन की नियाबत, हजरत कासिम इमाम हसन की नियाबत, और 12वें इमाम सबका करबला वाले को भी जारी है, और करबला को इख्तिताम लेके पूरी दुनिया के जन्नत का टुकड़ा बनाएंगे, बदला लेंगे इंतकाम लेंगे इन सारे दुश्मनों पर इंतकाम लेंगे, अब देखो सबको अल्लाह ने समेट के माह शाबान में डाला है, इस महीने में जितना नेकी करो कम, जितनी नेकी करो कम, हर मिनट अच्छी तरह गुजरना चाहिए, बहुत कीमती था। अब हम ये देखें ये तीन चीज को करना है, तीन खुतबा शाबानिया मुनाजात शाबानिया और दुरूद शाबानी, टाइम को टाइम की बात आ गई, टाइम कैसे जा रहे इसकी नोट करते चले जाना, गलत दोस्ती हो तो जल्दी खत्म कर देना क्योंकि वो इंसान को बुरे रास्ते पे ले जाते, बुक्स की ना हसद, किसी की अमानत तो अमानत पहुंचा दो, किसी की अमानत ना हो ताकि इबादत हमारी उरूज तक पहुंचे, और बुक्स की ना हजरत किसी के हर एक को माफा माफी कर दे, दिल को कलबे सलीम कर दे, पाप कर दे ताकि इन सारी इबादतें इनका असर हमें मिले, रद्द मजालिम देना पड़े, खुम्स नहीं दिया है सबकी सफाई कर दो, रसूल का महीना है, रसूल की औलाद का हक है, खुम्स उनकी सफाई कर देना चाहिए, तो आप देखें कि ये सारी चीज हमें अंजाम देने की है, फिर कई नमाजें बताई गई, पहली शाबान रात और दिन 15 शाबान से कम नहीं है,
15 शाबान की रात और दिन से कम नहीं है पहली शाबान। पहली शाबान तकदीर बदलने की रात है। जो पूरा किस्सा है मफातुल जिनान, मेरे पास टाइम नहीं बचते, थोड़ा सा याद दिलाऊं। पूरा किस्सा है मफातुल जिनान, जो दुश्मनों पहुंच चुके थे हमला करने के लिए और मोमिनों पहुंच चुके थे मुकाबला करने के। तो दुश्मनों रात, पहली रात शाबान की सन्नाटे वाली रात, और चांद तो दिखता ही नहीं है। ऐसे में वो लोग सोए हुए, आधी रात के जो सोए हुए तो मुसलमान उस पर हमला करने वाले थे, सोए हुए मुजाहिदीन, उन लोग हमला की पूरी तैयारी कर दी कि वो सोए हम उसको खत्म कर दे। मगर चार ऐसे मोमिन जिसका नाम भी आपको मफात जिनान मिलेंगे, चार कोने में जहां सब सोए थे, चार कोने में पहली शाबान की फजीलत समझ के इबादत में मशगूल थे, वो लोग हमला करना चाह, इन चारों में से इतना नूर जाहिर हुआ, इतना नूर, इतना जबरदस्त, सब उठ खड़े हो गए, सब मोमिनीन उठ खड़े हो गए और दुश्मनों घबरा गए। फिर मोमिनीन जोश और जज्बे में आकर हमला करके जीत गए। रसूलुल्लाह ने क्या कहा आखिर में, जब रसूलुल्लाह को बात पता चली तो रसूल ने क्या कहा, चार लोगों ने पहली शाबान का हक अदा किया, इबादत में गुजारा, सबकी किस्मत उनकी भी बदली, सबकी किस्मत को बदल दिया, वरना दुश्मन उनको खत्म करने वाले, दुश्मन खत्म करने वाले। अब सोचे कितनी पहली रात किस्मत तब्दील करने का है। पहली रात शाबान की सदका ना भूले, सिले रहम, कुछ अच्छी अच्छी नेकियां, तबलीग में डोनेशन, जो कितनी अच्छा, और पहली शाबान का दिन तो पहली शाबान की रात से भी ज्यादा क्यों, मौला अली गुजर, ये भी किस्सा है, ये भी आप कुछ किस्सा है मफाज जिनान। मौला कहीं से गुजरे, लोग बहस करते थे तकदीर की, किस्मत की, डिटेल में नहीं जाती हूँ, और मौला अली ने कहा तुम इसमें बहस करते हो तकदीर, जो फजूल बातें, आज पहली शाबान का दिन है, आज तकदीर बदलने का दिन है और तुम तकदीरों पर बहस करते हो, जाओ नेक ही करो। फिर मौला ने क्या कहा, जिसने पहली शाबान को, अल्लाह क्या करता है, मलाइकों को फैलाया हुआ है ना, तूबा का दरख्त को दुनिया की तरफ उनकी शाखे को झुका देता है, तूबा का दरख्त जो जन्नत में उनको उनके शाखे को झुका देता है दुनिया की तरफ, जमीन की तरफ। किसी ने सिले रम की एक शाख को पकड़ लिया, किसी ने सदका दिया दूसरी शाख को पकड़ लिया, किसी नमाजें पढ़ी किसी, जिसने रोजा रख, यानी तुम्हारे इख्तियार में तुम्हारी तकदीर मत हो, जितनी शाखे तुमने पढ़नी हो पहली शाबान को, नेकियां मल्टीप्लाई करते चले जाओ 70 गुना ज्यादा, उससे भी ज्यादा, पहली शाबान और 15 शाबान इससे भी ज्यादा। सब तो ये फरामोश ना हो, पहली शाबान को सदका न बोले, इबादत को ना बोले। इसी तरह बोले कि इबलीस, रसूल का सबसे बड़ा दुश्मन इबलीस, क्योंकि रास्ता बंद कर दिया गया आसमान का रास्ता, रसूल की विलादत हुई और इबलीस का रास्ता आसमान की तरफ बंद कर दिया गया, रास्ता बंद कर दिया गया, उसको इतना गुस्सा है, सबसे बड़ा दुश्मन रसूल का और आज इमाम जमाना का सबसे बड़ा दुश्मन इबलीस है कि मैं मोमिनीन को बहकाता रहूंगा कि अहले बैत के करीब ना हो, रसूल के करीब ना हो, क्योंकि नेकी को फैलाना एक तरफ और गुनाह को फैलाना, शैतान अपनी पूरी फौज को पहली शाबान आते साथ पहली रात पूरी दुनिया में हर जगह फैला देता है कि रसूल का महीना है, नेकी फैली, मलाइका नाजिल हो चुका है, तुम नाजिल हो जाओ, सारी शैतान का गिरोह फौज दर फौज सब उनकी जमीन में फैल जाते हैं, बदी फैलाते हैं लोगों को, किसी को रोजे में रोजा रखने के रोकेंगे, किसी को सदका देने में रोकेंगे, किसी को नमाज पढ़ने में रोकेंगे, किसी को अव्वल वक्त नमाज पढ़ने में रोकेंगे, क्योंकि रसूल का महीना है। अब देखो मैं कितना जीतता हूं, तुम रसूल को खुश करोगे, तुम इबलीस को खुश करोगे, बहुत बड़ी इम्तिहान है। वहां यजी वो फैलाता है, बदियों फैलाता है इबलीस, तो वो जकूम, जकूम की शाखे भी अल्लाह जहन्नम में, जकूम का दर उनको भी शाखे को दुनिया की तरफ जमीन में फैला देता है। जिसने किसी की कीमत की उसने जकूम की एक शाख को पकड़ लिया, किसी ने झूठ बोला एक शाख को पकड़, किसी का दिल दुखाया दूसरी शाख, किसी ने बेपर्दगी की मिस गैदरिंग में शादी में मेकअप वगैरह को देख के गए उस एक शाख पकड़। इसी तरह हमारे इख्तियार अफजलुल आलमीन का, रहमतुल आलमीन का महीना है, शैतान दुश्मनी कर रहा है, हलतल इनकार नाम जमाना से दूर रखो, इनका बेटा तो है ना जिंदा, इनका बेटा तो है, हमसे ज्यादा इल्म वो रखता है, मैं उनके गाफिल कर दूंगा, उनसे गाफिल करूं। तो इसी तरह हमें इनको भूलना नहीं। 15 शाबान को तो सब जानते हैं, मैं क्या बयान करूं, आप सब जानते हो, टाइम भी नहीं है, मुझे सवाल जवाब में जाना है। मगर एक चीज याद रहे,
कि कौन सी इबादत, एक तो नमाज, कई नमाज है मगर आपको वो रिजा है मतलूब है, रिजा की नमाज, सारी शाबान रजब की नमाज रिजा, जाफर तैयार पढ़ो तो कुर्बतन इल्लल्लाह, जितनी नमाजें जाफर तैयार पढ़ा गुना माफ हो जाएगा, तरक्की होगी, रिस्क में बरकत, जान में बरकत, बीमारी का सेहतमंद, जाफर तैयार। 15 शाबान तो पढ़नी ही पढ़नी है, कमाल नमाज है 15 शाबान तो दुआ कुमेल, और 15 शाबान ये नमाज जाफर तैयार तो सख्त ताकी ने तकबीर बदलनी, क्योंकि फाइल का आगाज हुआ है, हमारी किस्मत वाली फाइल को आगाज हुआ, इमाम जमाना के पास फाइल आई है मगर आगाज है फाइल, शबे कदर में अप्रूवल है, फाइनल अप्रूवल है मगर आगाज होता है 15 शाबान। तो उलमा एक चीज बताती कि इसमें फिर कुरान की तिलावत शाबान में ज्यादा करो, माह रमजान की तैयारी, सदका ज्यादा दो, और सबसे ज्यादा के सदको दुरूद, सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ो क्योंकि रसूल का महीना है, हमने रजब में इस्तगफार ज्यादा किया, अब शाबान में इस्तगफार भी करना है, साथ साथ दुरूद अभी हम डेकोरेट कर रहे, अब हमारी तकवा को डेकोरेट कर रहे, एडोर्नमेंट, हम घर खाली पहले सफाई करते हैं फिर हम डेकोरेट करते हैं ना, दुरूद डेकोरेट करेंगे हमारे तकवा और बुलंद होगी, हमारी नेकियां, नेकियां को डेकोरेट करते चले जाएं। तो ये सलवार चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते दुरूद कसरत से शाबान महीने में सबसे अफजल तरीन इबादत, और सदका, कुरान की तिलावत, रोजा और नमाज इबादत, ये सब अफजल तरीन इबादत है। मगर उलमा एक ताकीद करते आयतुल्ला वहीद खुरासान, वो फरमाते एक कुरान शुरू करो 15 शाबान शुरू कर दो इमाम जमाने के हदिया के लिए, और खत्म करो 24 शबे कदर, क्योंकि एक रिवायत में 24 शबे कदर है, 40 रात, ये 40 रात इतनी कीमती है 15 शाबान के शब से लेके 24 तारीख रात, एक ही इवन नंबर की रात रिवायत में मिलती है कि शायद ये शबे कदर भी हो सके, बाकी सारी ओड नंबर। तो 40 रात को कुरान की तिलावत करना दिन की करता ज्यादा सवाब, तो 15 से कुरान खत्मा शुरू करो 24 शबे कदर, ऐसे किस्मत बदलेंगी। आयतुल्ला वहीद खुरासानी ने कहा क्यों, उन्होंने कहा कि 1,24,000 अंबिया का वारिस इमाम जमान, 13 मासूमीन का वारिस इमाम, सारी की मेहनत को मुकम्मल करेंगे 12वें माह, सब ने अपनी तबलीग की मगर मुकम्मल न कर सके, मुकम्मल करेंगे 12वें माह, तो तुमने 12वें माह को पूरा कुरान 15 शाबान की रात से शुरू करके 24 शबे कदर कंप्लीट किया, उसका सवाब 12वें माह को दिया, तो समझो तुमने 1,24,000 अंबिया और 13 मासूमीन को इंक्लूड किया है, ऑटोमेटिकल इंक्लूड हो गए, इतनी बड़ी फजीलत है कि इमाम के लिए इन रातों में 40 रातों में तकदीर बदलने की रात, इन 40 रातों में बहुत ख्याल करने को गुना सरजद न हो, कोई नेकी पे नेकी हो, फजूल बातें में नहीं, गलत दोस्ती हटा दो, टाइम का ख्याल करे वगैरह, पत्ते ताल्लुक वगैरह सबको खत्म कर दे, तो बहुत सी फजील है। आखिरी 3 रोजा कोई रखे इस्तकबाल माह रमजान, माह रमजान को इस्तकबाल करता है, आखिरी 3 रोजा रखे, गोया इमाम अली रजा फरमाते गोया उसने पूरी जिंदगी रोजा रखने के सवाब मिला, गोया पूरी जिंदगी रोजे में गुजारा, जिसने माह रमजान का इस्तकबाल किया, जब अलविदा करना है तो 6 रोजा जो गम ज्यादा है, जब रमजान माह रमजान खत्म हो गया 3 दिन तक खाने पीने का करो दावत जो करना है, 4 शव्वाल से लेके 9 शव्वाल 6 रोजा अब अलविदा कर रहे माह रमजान को अलविदा, तो गिरिया है दिल जलता है, तो 6 रोजा वेलकम के लिए, 3 रोजा खुदा हाफिज करने के लिए, 6 रोजा 4 शव्वाल से 9 शव्वाल, ये सारी इबादतें हमें तरक्की देती है, इर्तिका की मंजिल देती है, हमारी आला तरीन तकवा में जाएंगे, एक दूसरे को हम अम्र बिल मारूफ नहीं मुनकर करते रहे, बहुत ज्यादा सवाब है अम्र बिल मारूफ नहीं मुनकर का। तो ये बस बातें तो थोड़ी कुछ छोड़ दे, आप खुद मफाद जिना जिसकी किताबें में यूट्यूब में जाएंगे प्रिंट करेंगे, शाबान की फजल सबसे ज्यादा मिलेंगी, बस मैं यहाँ खत्म करके आपके सवाल की तरफ जाऊंगी, मैंने सोचा सबको टच करूं मगर ज्यादा शाबान के लिए, मैंने सोचा कि महीना आ गया है ऑलमोस्ट, और रसूल का महीना है, सबसे बड़ी बात है कि अफजल तरीन शख्सियत कायनात की उनका महीना है, इसीलिए बहुत दिल चाहा कि उनकी फजीलत जितना बयान कर सकूं इतना बयान करूं। अच्छा, अब ये देखा जाए सवालात, आपका शुरू करती हूं। ओके, पहला सवाल ये है कि कब्र में क्या फूल डालना क्या सवाब है, कब्र में फूल डालना क्या कोई मुस्तहब है कि इसराफ है, न तो मुस्तहब है न तो इसराफ है। उलमा ने ये जवाब देते हैं कि न मुस्तहब है न इसराफ है,
मुबा है, मुस्तहब तो हो ही नहीं सकता क्योंकि शरीयत में इसके बारे में कुछ है ही नहीं, तो मुस्तहब तो सवाल ही नहीं। मगर इसराफ इतनी छोटी चीज को नहीं माने कि आपको जरा कब्र को डेकोरेट करना है तो मुबा है, जायज, मगर सवाब नहीं मिलेगा, सवाब कुछ नहीं मिलेगा, ना तो मरहूम को ना तो आपको सवाब, ना मैं किसी को नहीं मिले, मगर जायज है, गुना नहीं मिलेगा, इसराफ भी नहीं होगा। कि स्टूडेंट्स के को फ्रूट सलाद सिखाते थे तो सब बच्चे ने घरे से सबके घरों से फ्रूट आया तो फ्रूट सलाद हमने सिखाया बच्चों को स्कूल में, टीचर सवाल पूछ रही है, मगर जो अटेंडेंस की जो उम्मीद थी वो नहीं आए सब, तो बहुत बच गया, बच गया। तो फिर मैं घर पे जाके ले गई, 6 साल हो गए उसको, तो अब मुझे मैं रद्दे मजालिम देना है कि नहीं? उलमा ने कहा नहीं, तो खराब हो जाता, आपने खराब होने से बचा लिया, अब इसकी कोई रद्दे मजालिम नहीं है, ये माफी है, क्योंकि घरों से आया था सबको खिलाने के लिए, सब कोई नहीं है, सबने जितने लोग थे वो खा के चले गए, बाकी बचा हुआ है, बचा हुआ ना खराब हो जाता आप छोड़ते, तो मैं कोई गुनाह नहीं, कोई कफारा नहीं, कोई रद्दे मजालिम नहीं। क्या काफिर के पास पैसा रखवाए इसलिए वो सूद देने वाला है? जायज है, वो जायज। काफिर के पास अपने पैसे रखवाया इसलिए कि देखो कुछ शरीयत ने इजाजत दी है, बाप मियां बीवी शौहर दरमियान में वो एक दूसरे को दे सूद की नियत से, और सूद लेना देना जायज, बाप बेटा, बीवी जौजा और काफिर और मुसलमान, वो उनका उनके लिए वो सूद हलाल है अगर रखवाए इस नियत से। सूद का मसला जितना नहीं है जितना नौकरी का मसला, बहुत सख्त, बहुत ज्यादा सख्त है नौकरी का, अभी सबने हराम करा दिया इसीलिए बहुत सख्त, मगर सूद तो बैंक का जायज है, जिसका मसाला हमने बताया वो तो सब बिल्कुल सही है, तो ये जायज है। अगर काफी को पैसे दिया रखवाया वो टेवर के वो सूद देगा तो वो सूद जायज है। मैंने ऐसी मेड रखा है, सवाल पूछती औरत, मैंने एक ऐसी मेड रखा है, उसे समझौता हो गई, बार्गेनिंग हो गई, मुआयदा हो गया है कि जब मैं सफर करूंगी तो मैं तो तुझे छुट्टी दूंगी तो मैं उसका पैसे नहीं दूंगी, जब मैं शहर में होंगी तो काम के लिए आएंगे जितने दिन काम करेंगे उसका पैसा दूंगी, वो राजी है, बस वो राजी है तो खत्म, तो शरीयत को क्या इतराज, आपने बार्गेन किया है कि जितने दिन काम करें कितना दूंगी, जितने दिन मैं सफर करूंगी तुझे छुट्टी, और खुद राजी से काम कर रहे, खुद राजी है इसमें, तो कोई मसला नहीं, ऐसा मुआयदा जायज है। माँ, मेरी माँ की कब्र को तोहफा मिला, साल हो गया मगर हमने कोई खुम्स दिया नहीं, अब हमारी क्या जिम्मेदारी है, साल हो चुका है जब तोहफा मिला, अब पहले तकलीफ देखी जाएगी, अगर आयतुल्ला खुमैनी खामेनाई की वो कहते तोहफे पे खुम्स नहीं है, आयतुल्ला खुई सिस्तानी कहते नहीं तोहफे पे खुम्स है, अगर वो आयतुल्ला सिस्तानी की तकलीफ में थी तो कहते तोहफे पे खुम्स है, तो अगर इस कब्र की कोई वैल्यू मिल रही है, मार्केट वैल्यू है, ऐसा काम हो रहा है, ऐसी उसकी मार्केट वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू है, और दूसरी शरत की वो खुम्स में मानती थी, खुम्स देती थी जिंदगी में, तो वाजिब है कि उनकी मीरास से खुम्स दिया जाए, निकला जाए, पहले मीरास फिर तकसीम होगा, फिर माल तकसीम होगा, अगर इस कब्र की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, और वो खुम्स में मानती थी और खुम्स देती थी भी जिंदगी में, तो ये दो शराइत के साथ उस पे खुम्स वाजिब है, अगर आयतुल्ला सिस्तानी की तकलीफ में आयतुल्ला खुई में बाकी है इसमें देना पड़ेगा, वो पूछते कौन सी वैल्यू पे, तो उनको मार्केट वैल्यू तलाश करनी पड़ेगी, उनको मार्केट वैल्यू तलाश पड़ेगी, ऐसा माहिर को वो पूछ सकते हैं, वो बता सकते हैं कि उनका मीरास से निकाली जाएगी ये उनका, और फिर तकसीम होगा, तदफीन के वक्त मार्केट वैल्यू देखा जाए, जिस वक्त दफन हुई उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी वो उसके मुताबिक खुम्स देना पड़ेगा, वाजिब है। अच्छा, फिर सवाल है, सॉरी, अभी उम्र के क्वेश्चन से पता नहीं आप लोगों के साथ, जो लोग उमरा जा रहे, बहुत लोग उमरा जा रहे, अभी उम्र का सवाल है वो पहले खत्म करती हूं मैं, उसके बाद फिर है और सवाल खुम्स के। उसका पहला सवाल ये है कि मैं सफा मरवा के दौरान थक जाती हूँ, तो क्या मुझे आराम करने के दरमियान इजाजत है? हाँ, थकन की वजह से इजाजत, थक जाती है टायर्डनेस, तो दरमियान में भी कहीं रुक सकती है थोड़ी देर के लिए, या तो सफा के पास या तो मरवा के पास थोड़ी देर रुक ले, पर ज्यादा नहीं कि मवालात टूट जाए, मवालात रोके ये तो आराम कर ले बैठे, नहीं 5-7 मिनट,
पांच सात मिनट आराम करें, फिर चलना शुरू कर दे। इतना रेस्ट इजाजत मिली। मास्क पहनने की इजाजत है, अगर खौफ है कोविड का, नजला जुकाम का, दिमागी खौफ है तो पहनने की इजाजत है। अगर खौफ नहीं है, इम्कान नहीं है बीमारी का, तो फिर उतार दे। जितनी देर खौफ था इतनी देर पहले फिर हटा दे मास्क के लिए। कि तकसीर के लिए क्या नाखून की से तकसीर कर सकते, कि बाल से ही करना चाहिए? आयतुल्ला सिस्तानी ने एहतियात वाजिब के बिना पर नाखून में मना कर दिया है, नाखून से तकसीर मना किया है। का बाल की तकसीर का एहतियात वाजिब लगाए, अगर कहां रुजू का गुंजाइश मिल जाए तो नेल्स की, जो अगर दूसरे भी जो है तो उन लोगों ने पुराने कई मुस्तहब करा दिया था कि मुस्तहब के खिलाफ है नाखून की तकसीर करना बाल से ही, तो बाल के ज्यादा जोर दिया गया है क्योंकि बाल ज्यादा भाई से जीनत होती औरत की, उस जीनत से कुछ काटना है, जीनत को कुछ कुर्बान करना है। तो ये ओके, अभी ये उमरा का कोशिश मदीना में। हाँ, कि मैंने हम लोगों ने बहुत थके हुए मक्का पहुंचे तो रात को पहले सो गए, एहराम का कपड़ा मर्दों तो पहने रहे, हम उतार के रखे और घर के कपड़े पहन लिया, फिर हम सो गए, फिर उठे हम आधी रात के बाद ताकि हम जाए, तो हमने गुस्सल करना था, तो मक्का में हरम में दाखिल करना के तवाफ के वो नियत से करते है ना, तो भूले से खुशबूदार शैम्पू होटल में जो था साबुन था जिसमें खुशबू थी हमने इस्तेमाल कर लिया भूले से। देखो सख्त है शरीयत उसके लिए खुशबू से एहराम की हालत में, मगर ये भूले से करिए ना तो इस्लाम इनको माफ कर दिया, उसका कोई गुनाह नहीं है, कोई कफारा। मगर यही उलमा बताते अगर खुशबू को खाना खाए, पान खाए, छालियां खाए जिसमें खुशबू है, छालियां खाए, कोई ऐसी चीज खाए, चाय पिए जिसमें इलायची डाली गई है चाय, ऐसा में जफरान, ऐसे खाने में जिसमें जफरान डाला गया है, वो नहीं खा सकता, वो भूले से भी खा ले तब कफारे बकरे का, जानवर का कफारा देना भूले से भी, या मसाला नहीं पता था, या तो मसाला पता था भूल गए, तब भी खाने में जो अंदरूनी चीज जाते उनमें सख्त है। बहरूनी चीज अगर भूल गए, बहरूनी, वो गुस्सल कर दिया शैम्पू या साबुन यूज कर लिया खुशबूदार भूले से, माना जानबूझ कर तो कोई नहीं करेगा, जानबूझ कर तो बकरा देना पड़े सर कफारा। तो ये खाने पीने के लिए सख्त है, वो अगर भूले से भी खा लिया, जिहालत में भी खा लिया, तब भी बकरा कफारा देना पड़ेगा। मगर वो चीज जो कुदरती खुशबू है, जैसे एप्पल है, एप्पल में खुशबू है, कोई फल है जिसमें कुदरती खुशबू है, वो खा सकते हैं मगर उसको सूंघ नहीं सकते। एप्पल को और ऐसे फ्रूट में खुशबू उसको सूंघ नहीं सकते, वो एक अलग चीज है, खा सकते हैं, खुद ब खुद उसकी खुशबू नाक में जा रही है, क्योंकि जब खा रहे तो हरज नहीं, मगर हमने सूंघा नहीं, हमने नाक पर ले नहीं गए, हमने खुद ब खुद खुशबू आई खुद ब खुद, तो जायज है। तो खुशबूदार फल खा सके क्योंकि उनकी कुदरती खुशबू है, अल्लाह की तरफ कुदरती, वो उसमें चाय में इलायची डाली गई, पान में खुशबू छालिया में डाली गई है, जफरान डाला गया है, तो डाली गई चीज से वो नहीं खा सकते, जिहालत में भी खाए तो कफारा देना है, ये सवाल था। फिर उसका सवाल ये था कि मदीना में हम हैज आ जाए तो कहां तक हम जा सकते हैं? आयतुल्ला सिस्तानी ने उसका जवाब दे दिया, मदीना के आप सिर्फ जहां से जूतियां उतारते हैं अब बड़े 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 गेटों में दाखिल होने से पहले तक इजाजत है, अंदर दाखिल बिल्कुल नहीं होता। हालांकि रसूल के जमाने में छोटी मस्जिद थी, मगर ज्यों ज्यों एक्सटेंशन होता गया सब मस्जिद में शामिल, अकॉर्डिंग आयतुल्ला सिस्तानी ने बता दिया। तो एंटर नहीं हो, जहां जूतियां उतारे तो उसके बाहर की जगह सारी वो सहन में वहां बैठ सकते, इबादत करे जो करना है। हैज वाली औरत, निफास वाली औरत अंदर दाखिल, पूरी मस्जिद माना गया वो दाखिल नहीं हो सकती कहीं भी बाहर, जूता उतारते उससे पहले तक जूते से लेके दरवाजा आते वहां अंदर दाखिल नहीं हो सकते। बस ये मैंने आखिरी सवाल था, मैंने हज वाले का खत्म कर लिया, उमरा वाले का सॉरी। ओके, अब तकसीर में क्या हम किसी का बाल काट सकते? पहले अपना कर लिया तो फिर सही है, पहले अपनी तकसीर कर ली, आपकी तकसीर, अब दूसरे की मदद कर रहे तो ठीक है, उनको काट रहे नियत वो कर रहे काट आप दे रहे बाल तो ठीक है, मगर जब तक अपनी तकसीर नहीं हुई तो किसी का बाल नहीं काट सकते। वो कहते कि मैं नमाज की तकबीर तो एहराम, अभी अभी मुतफरिक सवाल के आगे, मुझे उम्रा की फिक्र थी
को मैंने खत्म कर दिया। वो सवाल किए थे, मैं तकबीरत एहराम से पहले दुआ इस्तखारा पढ़नी चाहती हूँ, क्या पढ़ सकती? क्यों नहीं? हकीकी इस्लाम ने उसको इस्तखारा किया है, तलबुल खैर। इस्तखारा का मतलब क्या? तलबुल खैर, अल्लाह से हम खैर तलब करते। तो नमाज तो ऑलरेडी खैर है, फिर क्यों? क्या बेहतर नमाज में मैं खैर करती कि मेरी नमाज कबूल हो जाए, मेरी नमाज बेहतर हो जाए, मेरी नमाज में कॉन्सेंट्रेशन हो जाए। तलबुल खैर है, अस्तग़फिरुल्लाह, मैं खैर तलब करती हूँ, रहमत ही तेरी रहमत के साथ, आफियत के साथ, अमन अमान, सुकून और चैन के साथ। ये सारी मल्टीप्लाई इतनी अजीम है कि चौथे इमाम ने छठे इमाम ने दुआ बताई है कि हर काम से, अच्छे काम से करो। आप मदरसा जा रहे, चंद मरतबा पढ़ेंगे, क्यों? कि वहां रियाकारी भी हो सकती है, वहां हसद हो सकता है, टीचर्स में आपस में मजलिस पढ़ने जाते हैं, हो सकता है कि शोशा आ जाए, रियाकारी आ जाए। खुदावंदा ये मैं करने काम नेक करने जा रहे, अस्तग़फिरुल्लाह, खैर तलब करती हूँ रहमत के साथ और आफियत के साथ। तो बहुत अच्छी इबादत है, बहुत अच्छी, हर नमाज के अंदर भी उसको करना है कि मेरा हुजूर कलब रे, उसको कहते हैं मैं सदे में भी पढ़ सकती, बिल्कुल एक दुआ है, एक दुआ है। हम कर सकते कि क्या कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन रहे, हुजूर कलब मिले, खुशू खुशू रहे, मेरी नमाज मकबूल हो, सदे में इतने उरूज है, उरूज में पहुंचे, नमाज की रूह है, तो अल्लाह ये कबूल हो जाए, सदा हो तेरे लिए, वो हम कुछ बने, इनकसारी पैदा हो, वगैरह वगैरह। ये खैर तलब करे, अखलाक खैर तलब करे, तो बिल्कुल हर काम से पहले आप कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है सख्त आगे। इसलिए चौथे इमाम ने तो शिकायत की हमारे शिया से, मुझे हमारे मानने वालों पे ताज्जुब लग रहा है, हम तो छोटी छोटी बातें में दुआ इस्तखारा पढ़ते, तलबुल खैर, वो तो बड़े बड़े काम ऐसे कर देते हैं। हकीकी इस्तखारा ये है, हकीकी तलब है, वो कुरान का इस्तखारा, तस्बीह का इस्तखारा, इस्लाम ने उसको पसंद किया भी नहीं, एडवाइस किया भी नहीं। ये है हर काम से पहले करो, काम अच्छा ही अच्छा होगा। अच्छा ओके, तो एक्सीडेंट हुआ था तो इंश्योरेंस मिला था, औरत कहती है मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे इंश्योरेंस मिला, और मुझे कहा गया कि इंश्योरेंस पे खुम्स नहीं है, तो मैंने बाद में मेरे दो बच्चों में बांट लिया इंश्योरेंस के पैसे, दोनों में डिवाइड कर दे, तो क्या मुझे अभी खुम्स देना पड़ेगा? देखो कभी भी पहला तो आयतुल्ला खुई और सिस्तानी में गिफ्ट पे खुम्स है, तोहफे पे खुम्स है, तो इंश्योरेंस अभी तो मिला है, अभी तो तोहफा मिला है। अगर एक साल रहा या आप वर्किंग वूमन है, आपकी खुम्स की तारीख आ गई, तो जो बच्चा या पूरा बच्चा तो खुम्स होगा, फौरन नहीं होगा, या इंश्योरेंस मिला फौरन कभी नहीं होगा, या खुम्स की तारीख पे, या तो एक साल जो अगर काम नहीं करती है तो वो बच्चा या पूरा रकम पर तो देंगे। मगर उसके सवाल से तो लगे उसको मिला और थोड़ी मुद्दत में ही दोनों बच्चे को दे दिया, अपनी मिल्कियत से निकाल दिया, तो कोई खुम्स नहीं, अभी भी नहीं है। अब बच्चों की जिम्मेदारी, अगर उन्होंने साल भर रखा, उनके तो तारीख ही फिक्स करनी पड़ती है, बालिक बच्चे को तो तारीख ही, क्योंकि अभी तो काम नहीं करते, तो उसकी तारीख पे खुम्स उनकी जिम्मेदारी के बच्चों को मसला सिखाए कि अगर बच्चा है तो वो खुम्स देना फरामोश ना कर दे खुम्स को। एक चीज पर खुम्स वाजिब नहीं था, अभी साल नहीं हुआ था, मैंने किसी को तोहफा दे दिया, तो वो सही है। अगर खुम्स वाजिब होने के बाद आप दे तो पहले आपको खुम्स देना है फिर तोहफा देना है। मगर वो कहती है कि अभी साल नहीं हुआ था, यानी इसके सवाल ऐसा लिखती है कि खुम्स अभी वाजिब नहीं हुआ था, फिर आपने किसी को दे दिया तो बिल्कुल अच्छा काम किया, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये सवाल रह गया, अच्छा मदीना वाले एक रह गया, अभी ये देखा कि मदीना में अब आजकल ट्रेन हो गए डायरेक्ट मदीना से मक्का ले जाती, हमें एहराम पहनना है मस्जिद शजराम, और मदीना शहर में है बस ट्रेन का स्टेशन। अगर हम जाते हैं मस्जिदुल शजरा में, जो 14 मासूमिन हमेशा वहीं करे है, वहीं एहराम पहने, तो हमें सुन्नत मासूमिन करना है, मगर क्या हम वापस पलट सकते हैं स्टेशन, वापस मदीना आना पड़ेगा? मस्जिद शजरा 7 किलोमीटर है, बिल्कुल आ सकते हैं। तमाम महाराजे ने इजाजत दी है कि आप पूरा मदीना आप कहीं भी एहराम की नियत कर सकते हो, होटल में भी एहराम की नियत कर सकते हो, पूरा मदीना इजाजत है। मगर शजरा में हाईएस्ट सवाब है, हद से ज्यादा फजीलत, जाओ वहां मस्जिद शजरा में एहराम की नियत तलबिया वगैरह करके वापस आज स्टेशन, और फिर सीधी भले ट्रेन आपको मक्का ले जा रही। अच्छा ये हो गए। अभी सवाल जो है, अगर कोई ज्यारत इमाम हुसैन और उनकी 2 रकात पढ़ना चाहिए तो क्या वो रजा के नियत से पढ़े कि कुर्बतन
कुछ कुछ सवाल आ गए मगर मैं जवाब दूंगी। देखो जो हदीस से कबर के पास ज्यारत वारिसा पढ़ना और दो रकत नमाज पढ़ना वो कुर्बत है नहीं लोग और मोहतर बड़ी बात, मगर घर में से पढ़ना ज्यारत वारिसा दो रकत ये सब रजा इतनी रजा कि घर के बारे में अच्छी चीज है, मगर रिवायत है कबर के पास। तो जो ज्यारत हम कबरों के पास पढ़ते तो कुर्बतन वाली है, जो ज्यारत तो हम घर बैठे पढ़ते वो रजा वाली है, क्योंकि हदीसे जितनी कबर की बात कर रहा है। मगर इजाजत दी है उलमा महाराजे की तुम पढ़ो, मगर रजा की नियत से पढ़ो, कितनी अच्छी चीज है। सलाम के जरिए इमाम की कुर्बत हासिल है, मगर रजा की नियत से, रजा की नियत से पढ़ना है। दो रकात नमाज भी ज्यारत भी सब रजा की नियत से। फिर कहते कि सलातुल इख्फाती है जिसकी किरात आहिस्ते से करने की, तो हमारे बहुत अंदर ही अंदर पढ़ते नहीं, वाजिब है कि तुम्हारी सरगोश विस्पर तुम्हारी कान तक पहुंचे, इससे ज्यादा सवाब है कि तुम खुद सुन सको अगर सन्नाटा है, मगर आवाज विस्पर का कान तक पहुंचाना वाजिबात में। वो कहते मुझे पता नहीं था मसला, तो माफी मिल गई है, वाजिब गहरे रुकने की इसमें माफी मिल गई। मगर अभी से कोशिश करे कि ऐसा विस्पर हो, अगर फैन की आवाज ना हो किसी की आवाज ना हो तो आवाज कान तक पहुंचे और तुम खुद उसकी विस्पर सुन सको। ओके सो गरम पानी से वुजू, जो धूप से गरम हुआ है उससे वुजू करना क्या मकरूह है? देखो ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। उलमा कहते कि डायरेक्ट सूरज के रेस से गर्म होने वाला, डायरेक्ट हमारा पानी तो टंकी में, उसमें डायरेक्ट रेस कहाँ जाता है, टंकी तो कवर्ड होती है, तो डायरेक्ट रेस पानी पे पड़े इसमें जर्म्स होते हैं, इसमें बीमारी आती है, वो पानी से वुजू करना मकरूह है, मगर टंकी वाला सूरज की गर्मी से गर्म हुआ वो मकरूह नहीं है। नहीं, वो भी जो सूरज के डायरेक्ट गर्म हुआ वो भी अगर गर्माश हट गई तभी मकरू खत्म, जितनी देर गर्म है तब प्रॉब्लम है, तब मकरू रहेगा जो डायरेक्ट रेज ऑफ द सन आता है, मगर टंकी में गर्म हुआ सूरज के तो वो मकरू नहीं है। खुम्स की तारीख कैसे फिक्स करें? जिस दिन हमने काम शुरू किया और जिस दिन की पहली तनख्वाह मिलेगी, आयतुल्लाह सिस्तानी ने उसका जवाब दे दिया है, कहा पहली जिसने जिस दिन अपने काम शुरू किया, जिसने आप काम शुरू किया उसने कह दिया है। आयतुल्लाह खामेनाई मुझे लगता है, नॉट वेरी श्योर, वो कहते पहली तनख्वाह मिलेगा, मगर सिस्तानी का मसला तो है कि आप खुम्स की तारीख जिस दिन आपने काम शुरू किया वो वाला। वो कह रही मुझे शक है कि एक साल हुआ है कि नहीं, तो नहीं हुआ है, बेनिफिट ऑफ डाउट, मगर यकीन है कि शक हो गया, सॉरी खुम्स वक्त एक साल हो गया, यकीन है, मगर खुम्स दिया कि नहीं तो नहीं दिया, यकीन है कि खुम्स के एक साल हो गया, दिया कि नहीं तो नहीं दिया, देना पड़ेगा, उसको एक साल हुआ कि नहीं तो नहीं हुआ है, ये सवाल। दुकान में इतना सारा माल बचा हुआ है, खुम्स की तारीख आ गई, माल बिकता भी नहीं है, कैश भी नहीं है, तो क्या करें? वैल्यू भी कैसा निकाले माल की? देखो आपको वकील से मुलाकात, जिसकी तकलीफ कर रहे हो ना, जिस मर्जा की उसके वकील से मुलाकात करो, उसके नायब से मुलाकात करो, कि ये आपको बताएगा, क्योंकि आपको कहीं लोन लेके खुम्स तो देना ही पड़ेगा, या तो मोहलत ले कि देखो माल बचा है दुकान में, बिकता भी अभी नहीं और मेरे पास कैश भी नहीं कि मैं बचाओ माल का, और कैश वैल्यू भी नहीं आते, वैल्यू तो किसी भी माहिर के पास जो ऐसे बिजनेस करते हैं माहिर से निकलवा सकते हैं, वैल्यू निकालना वो लेटेस्ट वैल्यू पे देना है। पैसा नहीं है, जमीन पड़ी है, पैसा नहीं है, जमीन पड़ी है, खुम एक साल हो गया, देना पड़ेगा साल की आखिरी वाजिब फौरी है, अगर नहीं दे से जल्दी वकील से मुलाकात करें, नायब वो आपको किस्तों में कर दे, जमीन को पाक कर दे, कहीं से लोन लेके पहले हक जहरा दे, हक जहरा को डिले नहीं कर सकते, फिर आप कर्जा देते चले जाओ जो आपने किसी से कर्जा लिया खुम्स देने के लिए, खुम्स वाजिब है फौरी, आज अभी खुम्स वाजिब, अभी अभी देना है, या तो मोहलत लेना है। तो ये सारे सवाल एक किस्म का है, तो फिर आपको बहुत ख्याल करना है कि आपने कहा बचा हुआ राशन का भी खुम से, क्योंकि जिसकी मार्केट वैल्यू मिलती है, शक्कर है आधा किलो बचा, उस आधा किलो भी बेची जाती, तो कितनी गाड़ी में पेट्रोल बचा है, खुम्स की तारीख आ गई, बचा हुआ पेट्रोल पे खुम्स होगा, क्यों? थोड़ा भी पेट्रोल वो बेचते हैं,
आप देखेंगे कितना लीटर जो मार्केट वैल्यू में कितना लीटर बेचते हैं, तो मार्केट वैल्यू है। तो गाड़ी में बचा हुआ पेट्रोल उसका भी खुर्स आपको देना पड़ेगा। तो मेरे पर फिदिया वाजिब है, रोजे का फिदा मगर मैं नहीं दे पाती। क्या मेरा शौहर मेरी मदद कर सकता है? इसी तरह मेरे पास कपड़े है बचे हुए, नहीं पहनू, साल हो गया, मैं वर्किंग वुमन नहीं हूं। फिदिया भी रोजा नहीं रख पाई, साल के अंदर कजा नहीं दिया, मेरे पास फिदिया का ताखेरी वाजिब। मेरे पास खुम्स कपड़ों पे वाजिब है, मेरे पास कैश नहीं। मैं आपका हस्बैंड आपको हेल्प कर सकता है क्या? तोहफा दे, आपको गिफ्ट दिया, फिर नियत आप करेंगे। उनपे वाजिब नहीं है कि आपके खुम्स में अपनी मदद करे, न उनपे वाजिब है कि आपका फिदिया कफारा दे रोजे का। अगर नहीं रख सके, आपने रोजा नहीं रख सका, आपने फिदिया का पैसा नहीं, तो इस्तगफार करो, जितने पैसे मिलेगा तो मैं दे दूं। अगर जेवर होता है, एक्स्ट्रा जेवर होता है, कुछ बिन जरूरी जेवर बेच के आप फिदिया भी दे सकते हो। मगर शौहर हेल्प कर सकता है, पर नियत आप करेंगे। आप मालिक बन गए माल का, आप मालिक बन गई उस माल का, फिर आप देंगे आपका फिदिया, रोजे का फिदिया, क्योंकि शौहर की जिम्मेदारी उसमें ना नफका जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी नहीं कि आपका खुम्स अदा करे, कि आपका फिदिया कफार अदा करे। तो वो हेल्प करने के लिए तैयार है, तो बहुत अच्छा, ये तो टू गुड होगा कि अगर वो तैयार हो जाए आपकी मदद करने के लिए, इंशाल्लाह तो खैर है। ओके ये ओके। एक सैदानी है, बस ये आखिरी सवाल है आप लोगों के पास। जो एक सैदानी है, गैर सैयद से शादी करी है, तो बच्चा तो गैर सैयद हुआ, आखिरत में तो सैयद होंगे। सैदानी के बच्चे जो गैर सैयद से शादी की, आखिरत में सब सैयद होने वाले, मगर दुनिया में गैर सैयद है तो उनको साइन सादात नहीं मिल सकता। साइने सदा पक्का बाप सैयद होना चाहिए, फिर माँ भले ने गैर सैदानी, बाप सैयद हो, गरीब हो, यतीम बेवा, उनका हक बनता है। अब ये सवाल पूछे, मैं सैदानी हूँ, मेरे शौहर को कोई काम नहीं है, अभी हमें बेटे की शादी करनी है, बेटा गैर सैयद है, मगर मुझे अगर कोई दे रहा है, सैदानी को दे रहा है बेटे की शादी के लिए, हतो ले सकती है, वो मालिका बन रही, वो गरीब सैदानी है, बेटे की शादी कर, मगर हैसियत के मुताबिक करे, इतना ही साय में सादात ले जितनी उनकी हैसियत के मुताबिक शादी करे, न कि इसराफ करे, गुनाह ने कबीरा करे, दूसरा सैयद का हक मारा जाएगा। तो कम से कम मुद्दत में जैसी उनकी हैसियत है इतना ही पैसा ले सकते, क्यों कि सैदानी को दिया जाएगा, बेटा बड़े गैर सैयद, उनको शादी करवानी है कि बाप को कोई जॉब नहीं है, जॉब ले सके। ये आज का हमारा सवाल, अल्हम्दुलिल्लाह सब खत्म हो गए, जो पुराना भी पड़ा था वो भी मैंने आज खत्म किया है। अब आपको कोई बॉक्स में कोई सवाल हो, थोड़ा बाकी टाइम है हमारे पास, तो देखो तो कोई सवाल है तो हम उसको अंजाम दे दें इंशाल्लाह। जो मौला की न्याज बाईस रजब की बनाई जाती है, ऑल्दो कि मुख्तलिफ डेट्स में जब भी रजब किसी कितने आपकी आवाज बातचीत धीमी होती है, पहले जोर से नहीं सुन सकती। हेलो जी, ताहिरा जी, आप सुन पा रही हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी 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 जी। आंटी सवाल ये है कि जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की नजर बनाई जाती है रजब में, अब अगर एक खातून हाइजा हो और उसको न्याज रेडी करनी है, तो क्योंकि पाकीजी का बहुत ख्याल रखा जाता है और पीरियड्स में तो खवातीन कोशिश करते हैं करीब भी ना जाएं, तो शरई तौर पर बताइएगा क्या वो गुनाह की मुर्तकिब होगी अगर वो न्याज की यहाँ पे टिक्कियां बनाई जाती हैं, या वो खीर जो भी मीठा बनाया जाता है तो उसको फ्राई भी करना है, वो आटा गूंदना भी है, तो क्या वो गूंद सकती है या वो फ्राई कर सकती है? उसका रोल बताएं कि जो हालत हैज में नजर क्या कितना अंजाम दे सकती है उसको। मैं तो समझी कि ये प्रॉब्लम खत्म हो गया, अभी तो इल्म कितना फैल चुका है, अभी तो कितनी मदरसा और कितना, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल पका सकती है, खा सकती है, आटा गूंथ सकती है, बैठ सकती है, जब सब पढ़ा जाते हैं सुफरे में बैठ सकती है, सब कुछ कर सकती है। क्यों कि देखो आप तौजीहुल मसाइल खोल दो, जितनी चीज हराम है उसकी फहरिस्त है हैज में, जिसकी चीज मकरूह है फहरिस्त है, तो क्या आपको लगता है हमारा मराज ये भूल गए लिखने के लिए हम याद दिलाए उनको? देखो आपको देखना हो कि हराम है कि मकरूह है, तौजीहुल मसाइल खोल दो, इस्लामिक लॉस खोल दो, आप हराम के लिए क्या क्या चीज हराम है, नमाज पढ़ना हराम है, रोजा रखना हराम है, कुरान के अल्फाज कम से कम हराम है, अल्लाह के नाम को हस करना हराम है, में जाना मस्जिद में जाना हराम, पूरी फहरिस्त मिलेंगे। फिर आएगा मकरू की फहरिस्त, मकरू कहेगा कुरान की ज्यादा इतने सात आयत से ज्यादा पढ़ना, या एक आयत भी पढ़ा बार इख्तिलाफ है,
इसमें मेहंदी लगाना सर पे मकरू है, डाई लगाना सर पे आपके सर में मकरू है, ये आपको मिलेगा कि क्या क्या मकरू है। तो उसमें ना हराम की फेरिस्त में, ना मकरू की फेरिस्त में नजर न्याज पकाना खाना सारा, बिल्कुल आप वुजू करके, वुजू करना अच्छी चीज हर हाल में, आप वुजू करके आप पकाएंगी तो कितना ज्यादा सवाब मिलेगा, किबला रुख पकाएंगी तो और सवाब मिलेगा। हालांकि वुजू के बगैर भी पका सकती है, मगर सवाब को बढ़ाते चले जाओ। पाको पाकिजा, अपने को हाथ को पाक किया, वुजू किया, किबला रुख बनाया, नूरुन अला नूर, इंशाल्लाह कबूल होगा। तो खुलूस देखा जाता है कि हमने खुलूस किया अल्लाह के लिए, इमाम के लिए हमने किया है, इमाम को सवाब पहुंचा रहे, ये है ना। शोशा के लिए ना वहां बेपर्दगी होने देंगे, हमें सब जैसे शरीयत चाहती इस तरह हम करेंगे, तो नूरुन अला नूर। मोमिनिन को खाना खिलाना भी बात हो गई, कितनी बड़ी इबादत है। जी जी, जज़ाकअल्लाह आंटी, क्योंकि ये बहुत से लोग, ये कल्चरल प्रॉब्लम है, रिलीजियस प्रॉब्लम तो ये है ही नहीं कि बाकी तो देखा जाता है अगर एक घर में एक ही खातून हो तो फिर अगर वो ना बना सके तो वो नजर का क्या करेगी। तो इसलिए उसने पूछा, क्योंकि वो अपने हाथ से मोमिनिन को खिलाना भी चाहती, उसका शौक भी है। जी, तो आंटी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस हवाले से, इसी तरह अलम को छूना, इसी तरह अलम को बोसा देना, ताबूत को चूमना, सब इजाज़त। आपका दिल नहीं मानता वो अलग है, मगर शरीयत अलग है, दिल अलग है, एक ही दिल है। लोगों तो इस्तिहाज़ा में की तरह दिल नहीं मानता नमाज पढ़े, तो क्या नमाज इस्तिहाज़ा में, खून में हम कैसे नमाज पढ़े, हम तो नहीं पढ़ते इस्तिहाज़ा में। देखा अपनी मई चलाते, दिल अलग है शरीयत अलग है। शरीयत इजाजत देती है, आपका दिल नहीं मानता तो आप दिल को फॉलो करो, मगर शरीयत इजाजत देती है, आप खुद सवाब से खुद महरूम हो जाते हो। सवाब कितना ज्यादा है, खुद खुद हाथ से पका के, बाहर से ऑर्डर देने के बजाय खुद अपने हाथ से पकाया, उससे क्या बड़ा सवाब है। कि इमाम का न्याज आपने खुद पकाने का सवाब अलग है, बाहर से मंगवा लेना अलग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। अनु फातिमा जी, जी आंटी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो रोजा रखा होता है माह रजब में भी मुस्तहब रोजे रखे जाते हैं, रोजे की हालत में, अब सवाल ये कि ये यहाँ पर इमाम की नियाज देने के लिए एक मुजजा सब कॉन्टिनेंट में एक मुजजा पढ़ा जाता है और वो लकड़हारे से का मुजजा मशहूर है, तो वो इनका पूछना ये है कि अगर उस कहानी को सुनाया जाए और क्योंकि वो मौला से मंसूब की जाती है तो क्या मेरा रोजा बातिल हो जाएगा या रोजे की क्या हालत रहेगी अगर हालत रोजा में वो कहानी बयान करते। वो मुजजा तो मोतबर नहीं है, मोतबर नहीं, आप वहां बैठी है सिर्फ कान में आवाज आता है तो आपका रोजा बातिल नहीं होगा, क्योंकि बस एक 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 रिवायत है जो जिसको उलमा ने मोतबर नहीं माना है, ऑथेंटिक नहीं माना है, और आप वहां बैठे सुनिए तो आपका रोजा बातिल नहीं होगा। और अगर ये पढ़ रही है, हाँ ये मुझे नहीं पढ़ा, पढ़ रही है पता भी है कि ऑथेंटिक नहीं है, ये मुझे पूछवाना पड़ेगा, मैं आलिम से पूछवाना पड़ेगा, मैं मुझे नहीं पता, ये सवाल मैंने कभी नहीं पूछा है, तो मैं तो जाके रहूं कैसे खुद ब खुद जवाब दे दूं वो मुझे, क्योंकि रिवायत गलत है वो पता है या ऑथेंटिक नहीं, उलमा ये कहते ऑथेंटिक नहीं है, तो बस उसका मतलब क्या, मैं इंशाल्लाह पूछ के मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगी जवाब इंशाल्लाह। जी जी तायरा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था मैयत के मुंह में अकीक रखने के हवाले से कि जर्द अकीक रखना चाहिए, तो अब इनका सवाल है क्या जर्द अकीक ही जरूरी है या कोई और अकीक भी रखा जा सकता है, यानी क्या और अकीक ने और कौन सा अकीक सवाल पूछा, जर्द अकीक ही जरूरी है या अकीक कोई भी अकीक नहीं, जर्द शरत नहीं है, जर्द खाली फजीलत जर्द उलमा बताते, मगर ब्लैक आता है ब्राउन आता है, बस सच्चा अकीक होना चाहिए, ये एक बाल रखे देख लो शायद सच्चा किसी सोनार को पूछो देख देगा आपको, तलाश करो बस सच्चा अकीक होगा, मोती होगी तो वो फवायद नहीं मिलेगा। ओके आंटी, आंटी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन तुजी इट्स रिटन दैट नमाज इज मकरू इफ रिसाइटेड व्हेन देयर इज अ फोटो इन द फ्रंट ऑफ यू, बट इट्स आल्सो रिटन दैट नमाज इज मकरू इन अ रूम वेयर देयर इज अ फोटो, प्लीज क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन बोथ। ओके, दोनों में डिफरेंस उलमा ने क्या बताया कि पीछे होगा साइड में कि जो नजर नहीं आता तो मकरू है, मगर सामने होगा तो ज्यादा मकरू है, शदीद मकरू, क्योंकि अटेंशन जिस चीज डाइवर्ट करती है इंसान को हुजूर कल्ब, कॉन्सेंट्रेशन जिसको हुजूर कल्ब कहा जाता है अरबिक में, उनमें कमी आ जाए हुजूर को, नमाज को असल कॉन्सेंट्रेशन, अल्लाह ने कहा कि खड़ी रहे तो आंख कहा देखे मोहर को देखे, रुकू में जाए तो दो पैरों को दरमियान में देखे, सदे में जाए तो आंख खुली रखे नाक को देखे, कुनूत में हथेली को देखे, तशहुद और सलाम में थाइस को देखे, क्यों कहा है कॉन्सेंट्रेशन के लिए, आप कहीं ना देखे मगर जो हमने मुस्तहब है इन जगह में देखो, कहीं कहीं देखना मकरू है,
सामने होगा तो ज्यादा अटेंशन दूर होने का, आईना सामने है तो ज्यादा मकरू होगा, खुद को देखेंगे खुद का अक्स, तो सामने का मकरू ज्यादा है, साइड में भी मकरू है, पीछे भी मकरू है, मगर लेस। ओके आंटी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट टू रिसाइट फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हसद, जस्ट बिफोर द क्वेश्चन यू वर टेलिंग, सो प्लीज रिपीट व्हाट टू रिसाइट फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हसद। बेसी सूर्य फलक मिन शर्रिल हासिदिन इज़ हसद, उसको ज़िरपे त्रिपे करना, सूर्य फलक पढ़ो फिर आखिरी लाइन आ जाए, खुदा बचा मिन शर्रिल हासिदिन इज़ हसद, हासिदों के शर से हमें तू बचा के रख। तो ये दुआ जो आप ये सूरा पढ़ेंगे फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा, मगर जब मिन शर्रिल हासिदिन इज़ हसद पढ़ेंगे तो आप रिपीट करें तो इनशाला आपका हासिदों के शर से आप बचते रहेंगे। लाहौल वाला कुव्वत ज्यादा पड़े तो हासिदों का कसर से भी बचते रहेंगे इंशाल्लाह। सदका दो, आप अजान जोर से घर में दो, जोर से अजान तो हर बला के दूर, बद नजर दूर होती है, बीमारियां दूर होती है, बरकत तो रहमत से घर फैल जाता है, हर टन टन आवाजें बुलंद से अजान, कैसी बीमारी लोगों के घर में से रुखसत हुई है, जोर से अजान, बेशर्ते गाना काल आलत मौसीकी ना हो, ये हराम चीजें ना हो घर में, तो फिर आप देखे जोर से अजान दे, आप देखे मौजीजा पे मौजीजा देखें। जी आंटी, ये क्वेश्चन है कि अगर तकसीर के टाइम पर नाखून मालूम नहीं था मसला पहले कि क्या है, तो अगर किसी ने नाखून काटे तकसीर के टाइम पे तो क्या करना होगा, कोई कफारा अदा करना होगा? नहीं, कफारा नहीं, रुजू कर दे, क्योंकि आयतुल्लाह सिस्तानी ने एहतियात वाजिब लगाई है ना, तो शुबेर जंजानी ने कहा है एहतियात मुस्तहब है, इनके खिलाफ है, यानी मुस्तहब है कि नाखून को न काटे, तो शुबेर जंजानी को रुजू कर ले, हालांकि सिस्तानी ने फतवा नहीं दिया, एहतियात वाजिब लगाया कि नाखून को नहीं, मगर अभी तक कर लिया तो शुबेर जंजानी को रुजू कर ले, तो फिर क्योंकि वो कहते हैं मुस्तहब है कि नाखून न काटा जाए, बाल काटा जाए, बेहतर यही है, तो रुजू कर ले इंशाल्लाह, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कफारा कुछ नहीं। जी आंटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट आई बॉट फ्रोजन पिज्जा एंड डिडंट रियलाइज इट हैड पेपरोनी एंड इट्स नॉट हलाल, कैन आई गिव दैट टू नेबर्स हु आर क्रिश्चियंस? या देखो, क्रिश्चियंस के भी कोई बुरी चीज देना अंदर ऐसी हराम चीजें जो नुकसानदेह है, आपको पता है, तो क्रिश्चियन लोगों में वो उन लोगों में भी जायज नहीं है लिकर ने, मगर फॉलो नहीं करते शरीर, बहुत नुकसानदेह चीज है पोर्क का खाना वगैरह, बाद में पता, तो जानवर को दे देना सबसे बेस्ट है, मैं सबको कहती हूँ काट काट करके, जहाँ जानवर कुत्ता घूमता है, जहाँ जानवर हो उनको दे दो, ताकि कचरे के डब्बे में अनाज ना फेंको, तो जानवर को देना सबसे बेस्ट है, जो चीज हमारे लिए नुकसानदेह हम दूसरे के लिए अच्छा सोचे, भले वो खुद खाते हो। जी आंटी, क्वेश्चन है इफ वी बाय अ हाउस और शॉप फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फॉर आवर किड्स, सो शुड वी गिव 25% ऑफ होम्स ऑन दैट प्रॉपर्टी? अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदा, स्ट्रेट अवे खुम्स दे दिया, जितने की प्रॉपर्टी थी आपने खुम्स दे के पाक पैसे से लिया, तो कोई मसला नहीं है, फिर अगर आपने पाक पैसे से नहीं लिया, एंड ऑफ द ईयर आप खुम्स देंगे तो भी 20% होगा, एंड ऑफ द ईयर आप दे देंगे उसी साल में, उसी साल के पैसे तो 20%, मगर पैसे दूसरे साल का दिया, पैसे दूसरे आने वाले साल में से दिया, आप साल में नहीं दिया, बेदरकार हो गए, भूल गए, और दूसरे साल की आमदनी से दिया तो 25 होगा, क्योंकि वरना वो 5% बचत में जाता, आपने इसी साल के पैसे से आपको देने का था, जो आपका आखिरी महीना था, तारीख आ गई या 12 में आप भूल गए, नहीं दिया, दूसरे साल दिया तो 25%, इसी साल से दिया तो 20%। सबसे बेस्ट वे तो कहते बिजनेस शुरू करो पाक पैसे से करो, खूम्स पाक पैसे से बिजनेस शुरू करो, जमीन खरीदो पहले पाक से करो, भले आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो, फिर बाद में बहुत बरकत होंगी, खूम्स में गड़बड़ बहुत होती करती हमारी कम्युनिटी, जब भी सैयद इतनी तकलीफ में, वरना एक सैयद तकलीफ में ना होते जो उनका हक हम खाते रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंटी, क्वेश्चन है के सलाम, पहले तो अर्ज कर रही हैं सलाम टू ताहरा आंटी, ये पूछ रही है बैंक की जॉब के मसाइल जो आंटी ने बताए हैं सूद के हवाले से, इंशाल्लाह उस पे हम अर्जेंट एक स्टेप उठा रहे हैं, और दुआ कीजिएगा कि अब हमने स्टेप ले लिया है कि अल्लाह ताला इस मंजिल को हमारे लिए आसान करे, क्योंकि जैसे ही हमने मसला शरई सुना है हमने अब बस दीन की खातिर कदम उठा लिया है। माशाल्लाह
आपने सैयदा अनम फातिमा को सबने सुना, प्लीज सब लोग मिलके इन इन कपल के लिए दुआ करेंगे। इन लोगों ने कितनी हिम्मत की है, यकीन किया है कि शरियत शरियत और फौरन छोड़ना, उसमें बहुत बड़ा सीना चाहिए, बहुत बड़ा ईमान चाहिए। तो माशाल्लाह हम सब मिलके जितने लोगों ने सवाल सुना उन लोगों ने कदम सब उनके लिए, भले नाम नहीं जाता, हम कहीं जिस कपल ने कदम उठाया खुदा उसकी रिस्क में मालो माल कर दे, जल्द अज जल्द ऐसी नौकरी मिल जाए, ऐसा बिजनेस कि खुदा तुम मौजिजा दिखाना, इमाम मोहम्मद तकी अलैहि सलाम का और बीबी खदीजा ताहिरा का तुम मौजिजा दिखाना इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। और आंटी इन्होंने साथ ही कहा है कि उस बैंक में जहां पर ये जहां जिसके उस पार्ट में सूद का कोई भी इसमें मसला ना हो, क्या बैंक के उस हिस्से में काम करना जायज होगा जिसमें सूद का कोई अमल दखल ना हो? नहीं, बिल्कुल जायज। उसी बैंक में अगर उन लोगों को शिफ्ट कर रहे ऐसे ऐसी जगह में जहां सूद का कोई लेन देन नहीं, ना अकाउंट्स, ना कुछ, ना साइन, कुछ नहीं, यकीनन बहुत इंशाल्लाह बहुत बरकत मिलेगी। बैंक में जॉब मना नहीं है, सूद के साथ बैंक मना है। बैंक इन इटसेल्फ में जॉब करना जायज है, चाहे काफिर की हो चाहे मुसलमान की हुकूमत, मगर मसला सूद की जर्रा सी देन दे सिग्नेचर भी नहीं, तो फिर आप जरूर उसी बैंक में काम करो जहां सूद से कोई लेन देन नहीं है, जरूर और बरकत मिलेगी, हलाल हलाल रिस्क सब हलाल हो जाएगा इंशाल्लाह। आंटी एक शॉर्टेस्ट क्वेश्चन आया, मेरा ख्याल है विद इन अ वर्ड ही आप आंसर कर देंगी। रिमाइंडर दिया इन बहन ने मुझे कि वो खुद अर्न नहीं करती, तो फिर वो सदका कैसे कर सकती है? If a lady do not earn, how can she give sadqa? देखो खुद अर्न नहीं करती है तो उनके पास पॉकेट मनी मिलता होगा, कहीं ईदी किसी ने दे दिया तो थोड़ा पहले सदका दे दे। पता इमाम जाफर सादी का एक फर्जन था, बहुत बीमार हुआ था और वो चलो वो स्टोरी छोड़ देती, टाइम कम है। एक बेटा था, बहुत तंगदस्ती में दिन गुजारता था, तो इमाम उनको कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तू सदका देने में कंजूसी करता है। कम बाबा मैं तो मुश्किल से घर भी नहीं चलता है मेरा, खाने का नहीं तो मैं सदका का, बस इसीलिए बरकत नहीं होती है खाने, तुम भले तू थोड़ा कम खा मगर देखो तेरे कैसे तुम मालो माल हो जाता है। उसने सदका शुरू किया, कुछ मुद्दत के बाद एक उनका दोस्त का इंतकाल हुआ ना, उनका वसीयत नामा खोला गया तो क्या कि मेरा 1/3 मेरा एक तहाई मेरे इस दोस्त को दिया जाए, सैयद दोस्त को, इमाम जफसादी का फर्जन को, उन्होंने 1/3 मिल्कियत, इतनी बड़ी मिल्कियत मिली जैसे उसने सदका शुरू किया, थोड़ा थोड़ा सदका शुरू किया। और देखे सदके माल में बरकत है, सदके के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। आप कपड़ा आपके पास है तो कपड़े का सदका दे दो, आपके पास कोई अनाज है कोई आपको आपको तबरुक मिला तो आप थोड़ा आधा तबरुक आप खाओ, आधा तबरुक आप सदके में दे दो, यानी आपको सदका दे, सदका जबान का उसका भी है, आप किसी की अच्छी नसीहत दिया, इल्म दिया सबका, मगर अभी इस वक्त माल की बरकत में माल का सदका देना है, रिस्क में बरकत में रिस्क में से सदका देना है माल में से, तो ये आपको तो करना ही पड़ेगा। गरीब तरीन भी सदका दे, गरीब तर भले घर में कम खाए मगर दे फिर रास्ता खुलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सदका, बला दूर सदका, बीमारी दूर सदका, बरकत रहमत, ये जकात है, एक किस्म की जकात है मुस्तब सदका, तो उसको ना छोड़ा जाए प्लीज। आप सदका किसने अगर भी नहीं है तो फिर आप देखो कि आपके पास ऐसे कपड़ा है जरूरी नहीं है आपको, तो उसको बेच लो, फिर थोड़ा थोड़ा देते रहना उसमें से, या कोई कपड़ा दे दो सदका, आपके पास 5 सूट है तो एक सूट दे दो सदके का, आपके पास कोई पर्स एक्स्ट्रा है तो पर्स दे दो सदका में, आपके पास कोई चीज है ज्यादा है वो दे दो सदका में, हर चीज सदका में दी जा सकती है। जी आंटी ये पूछ रही है कि घर पे जो अलम लगा हुआ है क्या वो टच कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अलम से गले लगाओ असर होगा, क्योंकि जिनसे मंसूब है, आपने हजरत अली अकबर का अलम रखा है, हजरत अब्बास का रखा है, कि आपने इमाम हुसैन का, हजरत इमाम हसन का, जिसका रखा है आपकी, ये चीज शरई नहीं है, ये शरीयत से इसका कोई निस्बत नहीं है, मगर शरीय मगर उससे हमें बहुत बड़ी रूहानियत मिल सकती, क्यों कि उनसे मंसूब हो गया अलम, एक अजीम शख्सियत से मंसूब हो गया, आप उसे गले लगाए चूमा, उसका असर मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी नियत पे है, आपके खुद के यकीन पे है, भले शरीयत का जूज है कि नहीं, ये कई चीजों में नहीं देखा जाता, हमारा अकीदा देखा जाता है, हमारा अकीदा इन चीजों में क्या है कि हम आजादारी में जो चीज करते हैं, नजर न्याज करते हैं, अलम है, लाश है वगैरह, वो शरीयत हमारे पर छोड़ दी, तो आजादारी करो तुम्हें अलम जो जाए हमने छोड़ दी, तो हम लोग इससे मासूम से निस्बत करते, अजीम शख्सियत और निस्बत, तो उनका असर होगा, तो पीरियड में क्यों छोड़ा जाए? पीरियड में हमें ज्यादा रिस्क की जरूरत है, एक तो नमाज से महरूम है, एक तो इतनी बड़ी इबादत से महरूम है, तो बल्कि और ऐसी इबादत करनी चाहिए कि जो हमारे अकीदा जिसमें स्ट्रांग है उसको करना चाहिए। तारा आंटी, आई आस्क दैट क्वेश्चन
question of the teacher now, the students that brought the fruits, the school did not provide the fruits, the students brought those fruits. Yeah. So now those fruits belong to the students, but I did not return it to them. So I took it home. So is it all right? It's all right because they said they were not there. बच्चे फ्रूट्स लाए थे उनकी थोड़ी सी सैलेड बनाकर उनको खिला दिया बट थोड़े बहुत फ्रूट्स रह गए थे जस्ट लाइक पाइनएप्पल टिन वाज देयर एंड सम ऑफ द बनानास एंड सो आई कुड हैव रिटर्न इट टू दोज स्टूडेंट्स के भाई अब आप ये वापस ले जाओ बट आई डिड नॉट एंड आई बॉट इट होम मंगवाया था बच्चों से मंगवाया था दैट यू ब्रिंग वन कैन ऑफ पाइनएप्पल यू ब्रिंग फ्यू एप्पल you bring few bananas so they bought now some of them I used in the salad but since my partner did not come I had to do all the work so I made little bit matlab I gave all of them a small bowl whoever wanted to eat but fruits was left now I want to know, is it now abhi aapko nahi pata malik kaun tha you don't know who is those the malik kuch nahi pata those students were the owner but now it's like 6 years back so can't you contact them and ask for forgiveness ओनर मिलता है तो आप उनको माफी मांग लो वो माफी कर देंगे मगर अगर ओनर नहीं मिल रहा है तो फिर इसकी वैल्यू का अंदाजा लगा के फिर रद्द मजा नहीं होगा माल मालिक नहीं मिल रहा है तो वही तो सब ठीक है तो रद्द मजाली में आएगा बट यू नो दिस वाज 6 इयर्स बैक एंड नाउ स्टूडेंट्स मस्ट हैव बिकॉज़ आई एम नो मोर टीचिंग ओवर देयर सो स्टूडेंट्स मस्ट हैव लेफ्ट और यू नो आई कुडंट गो बैक टू स्कूल एंड आस्क माय स्टूडेंट्स जस्ट ट्राई गो टू द स्कूल एंड जस्ट ट्राई वंस मे बी यू कैन गेट देयर कांटेक्ट देयर टेलीफोन नंबर द ईमेल और मे बी व्हाट्सएप Just try. Okay. At least Allah saw that you are tried to find the owner. Okay. But finally, okay. If you don't find the owner, then naturally you will just give the cash. At least you try. Okay. At least you try. And who shall I give the wakil, right? Yeah. किसी भी मुश्किल ये तो रद्दे मज़ालिम तो किसी भी मुश्किल का वकील. Not necessarily जिसकी तकलीफ करते. ये तो any मुश्किल के वकील. उनको रद्दे मज़ालिम. जज़ाकअल्लाह. Huge fan. जज़ाकअल्लाह. जी अस्सलाम वालेकुम बस ओके डन अब क्लोज करते क्लास बंद करते सब अस्सलाम वालेकुम आंटी जी पूछना चाहती हूँ कि अभी आपने लाउड अजान घर में देने की फजीलत बताई तो क्या खवातीन भी दे सकती हैं लाउड अजान बिल्कुल ना मेरा भी सुने देर जेठ घर में वो बहनों वो सुने ना मैं कजिन हो वो भी सुन सकते अजान की आवाज खाली नमाज की आवाज के लिए मसला है नामेरम अजान की आवाज इकामा कुरान की आवाज कसीदा मजलिस की आवाज सब नामेरम सुन सकता है तो आप जोर से औरत भी दे टर्न बाय टर्न करो इतनी आप देखेंगे आपके घर में बरकत और रहमत कैसे फैलती है देखना मगर खुम्स भी पहला देखो उसमें घर बनना हो बस पहले खुम्स को देखो नमाज अवले वक्त हो एक फिर देखो अजान कितनी आपको काम आती है ओके तो इंशाल्लाह जब भी वापस क्लास शुरू होगी आपको इत्तला दी जाएगी आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सवाब में शामिल कर दिया बस हम दुआ करते खुदा को देखा माह रजब का महीना एंड हो रहा है बाबुल हवाइज की शहादत हमारे सामने आ गई चुकी है परवेदिया बाबुल हवाइज मुसब नजाफर का वास्ता जो जो मरीज उनको शिफा आजिल और सेहत कामिल अता कर परवेदिगा जो जो रिस्क के लिए परेशान है वास्ते मोहम्मद तकी अल जवाद का वास्ते रिस्क में वसत अता कर परवेदिगा जो बे औलाद है वास्ते शहजादी फातिमा चराबी अल असगर का वे बाबुल हवाइज अदली असगर का वास्ते जिको नेक साले औलाद अता कर परवेदिगा जो शायद जो जवान हो चुके वास्ते जिसे बीबी फातिमा बीबी मासूमा कौम का उनकी उनका बेहतरीन कुफ अता कर दे रिश्ता अता कर दे परवेदिगा जो हज ज्यारत उम्र के लिए मुतमनी है वास्ते तुझे शोहदा करबला सीरा ने करबला हले को हज ज्यारत उम्र नसीब कर परवरदिगार सबसे अजीम दुआ सबसे आला दुआ फातिमा का फर्जंद तेरी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा हमें उनके नाज़ मददगार में शामिल फरमा आमीन सुम्मा आमीन सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व उम्मीहा व बअलीहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदाई फीहा बअददि मा आता बिइल्मिक असत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फरजहु